हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस 2023 के पैटर्न पर, और इस पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का जो पेपर है वो बहुत ही जल्द होने वाला है ना? तो उसको देखते हुए हम आपके लिए आज कुछ विशेष चीज़ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, उस बात को समझो। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यूपी पुलिस एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपको पता है कि यूपी पुलिस के पेपर में आपके टोटल 150 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान के आपके 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिनके अंक होंगे आपके 76 यानी कि 76। और उसी में अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो आपको पता है कि सर 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, 37 प्रश्न आएंगे, जो कि आपके बनेंगे 74 यानी कि 74 नंबर के। अब अगर हम बात करें संख्यात्मक और मानसिक क्षमता की, तो आप जानते हैं कि इसके 38 38 क्वेश्चंस आएंगे, और जो कि हमारे होंगे 76 नंबर के। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तर्क क्षमता बुद्धि और मानसिक अभिरुचि की, तो आपको पता है इसके जो टोटल रहने वाले हैं वो आपके 37 यानी कि 37 सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से 37 सवाल जो कि आपके 74 यानी कि 74 नंबर के होते हैं, इन सबको जब आप मिलाओगे ऐड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सर टोटल 150 प्रश्न बन रहे हैं, जो कि हमारे 300 अंक के होने वाले हैं, 300 नंबर के होने वाले हैं। हमें पता है कि ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस के पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिनके अंक जो होते हैं वो 300 होते हैं। फिर आप कहेंगे सर इसमें नई बात क्या है? देखो, इसमें नई बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम बात करें इन 150 प्रश्नों की, तो आपको पता है कि सर इन 150 प्रश्नों में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो आप कह लो कि सर रीजनिंग का रहता है। रीजनिंग के अगर इन 150 प्रश्नों में बात करें, तो आप मान के चल सकते हो कि सर 55 से 56 सवाल रीजनिंग के आने वाले होते हैं। ठीक है, जो आपके 55 से 56 सवाल हैं वो काहे के होते हैं, रीजनिंग के। यानी आप कह सकते हो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो पूरे पेपर का 1/3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1/3 यानी कि 1/3। 1/3 वेटेज जो है वो रीजनिंग अकेले का है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम तो देख रहे हैं कि सर तर्क क्षमता बुद्धि लब्धि और मानसिक अभिरुचि के मिलाकर यहाँ पर आपने लिखे थे 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो सर 55 से 56 आने वाले हैं? उसका भी जवाब है हमारे पास। अच्छा, आपने देखा कि सर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इनके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 38। तो क्या आपको लगता है कि ये संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ये जो 38 प्रश्न आएंगे, ये क्या सारे के सारे मैथ के होंगे? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देखो जरा, संख्यात्मक जो है इसका अर्थ तो जरूर आपका सेंस जो सीधे सीधे है वो आपके मैथ से है, लेकिन जो ये मानसिक क्षमता है इसका सेंस आपके मैथ से नहीं है, इसका सेंस भी काहे से है? रीजनिंग से है। तो आप ये मान के ना चलें कि आपके मैथ से जो है वो 38 सवाल आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर भी एनालिसिस कर सकते हो। मैथ्स के अगर वेटेज की बात कर लें, तो वो केवल और केवल आपके 18 से 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो अच्छा, 18 से 20 अगर मैथ्स का रहेगा, और यहाँ इन्होंने लिख के कितने दिए हैं? 38। तो 38 में अगर आप यहाँ पर 18 माइनस कर दोगे, 38 में से अगर आप 18 माइनस करोगे, तो कितने आएंगे आपके? बचेंगे 20। तो 20 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे होंगे, ये जो मानसिक क्षमता के होंगे, जो आपके रीजनिंग के होंगे, और आपके 37 क्वेश्चन लगभग ये होंगे। तो आप देख लो इनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके लगभग 57 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अगर आप उधर देखोगे कि 18 से 20 हमने बताए मैथ्स के लिए, तो कभी 19 भी हो जाते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हो कि कुल जो प्रश्न आपके आएंगे वो आप मान के चलो कि 55 से 56 सवाल जो हैं वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जो पूरे आपका सिलेबस का पार्ट है, यानी पूरा जो सिलेबस है, पूरे जो 150 प्रश्न है, उसका 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा किसने घेर रखा है? केवल और केवल रीजनिंग ने घेर रखा है। इसी बात को देखते हुए हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कोर्स का एक महा बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पुलिस का इवन
ऐसा ही तक का जो आपका सिलेबस है रीजनिंग का, वो हम कवर कराएंगे पूरा का पूरा। ऐसे ऐसे चैप्टर कराएंगे जो आपने जीवन में सुने भी नहीं होंगे और आपके पुलिस के पेपर में आते हैं, हम प्रीवियस ईयर में आपको दिखाएंगे, तब आप मानोगे। ऐसे ऐसे आपको चैप्टर कराएंगे। और अगर इसके सिलेबस की डिटेल में बात करें तो आपको पता है कि मानसिक क्षमता, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, मानसिक क्षमता परीक्षण में आपके कुछ ये सिलेबस भी हम लेके आए हैं, टॉपिक भी, जिनको आप देखकर थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर एक चैप्टर की बात करें, लॉजिकल डायग्राम, प्रतीक संबंध व्याख्या, कोडिफिकेशन, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट, है ना, शब्द निर्माण या वर्ड फॉर्मेशन कह दो आप लोग, पत्र और संख्या श्रृंखला, सीरीज वगैरह, कुछ चैप्टर से आप परिचित होंगे लेकिन सभी से नहीं होंगे, अभी आगे आएंगे। शब्द और वर्डमाला सादृश्यता, इसको एनालॉजी भी आप बोल दोगे। कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा और दूरी परीक्षण भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, दिशा दूरी। और भी इसमें जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपके हो जाएंगे डेटा, डेटा की तार्किक व्याख्या, और आप वाद विवाद की प्रबलता, निहित अर्थों की निर्धारण, निहित अर्थों का निर्धारण। ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप रीजनिंग में मानते ही नहीं हैं, और मानते क्या, जानते ही नहीं हैं। अगर आप जानते होते तो इनको जरूर पढ़ते, और वही कमी रह जाती है कि आपको लगता तो है कि सर रीजनिंग हमने पूरी पढ़ ली और हमारे नंबर तो उसमें 40 से 45 ही बन रहे हैं, 56 क्यों नहीं बन रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके सिलेबस में आना क्या है। जब आप एक्चुअल सिलेबस कवर करोगे तभी तो नंबर पूरे में पूरे आएंगे। तो आप पहले सिलेबस को कवर करो, हम आपका पूरा 100% सिलेबस कवर करवाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये तो हमने एक लिया, इसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें, मानसिक अभिरुचि की, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, मानसिक अभिरुचि वाला। इसमें आप देख सकते हो कि मानसिक अभिरुचि में किस तरीके के चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं, आपको आइडिया लगेगा। जैसे अगर हम बात करें मानसिक अभिरुचि में, एक चैप्टर आपका आएगा सार्वजनिक हित, समझ रहे बात को, सार्वजनिक हित। कभी सोचा है कि रीजनिंग में भी सार्वजनिक हित है? बिल्कुल है, सवाल भी आता है, हम दिखाएंगे सवाल प्रीवियस ईयर का। दूसरा अगर बात करें कानून और व्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द लिखा है इसमें, सांप्रदायिक सद्भाव कर लो, सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि सांप्रदायिक जहां भेदभाव ना हो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। इसी के आगे अगर बात करें अपराध नियंत्रण, है ना, आपके अपराध नियंत्रण से भी सवाल बनते हैं। कानून का शासन, कानून का शासन यानी कि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक जानकारी मूल स्तर की चाहिए, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था, दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि हाँ पुलिस व्यवस्था कैसे चलाती है। आप जानते हो कि आप आगे आने वाले समय में कांस्टेबल या आप एसआई जब लगोगे तो आपको वहाँ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए वो पुलिस व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछते हैं और चाहते हैं कि आप बेसिक जानकारी पहले से ही सीख के आओ। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून, कुछ पुलिस मुद्दे भी जो समकालीन रहे हैं या फिर पहले के जो ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं या पुलिस में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, उनसे भी सवाल बनते हैं। अगर इसी के आगे हम बात करें व्यवस्था की, व्यवस्था में भी आप इसी से समझ सकते हो, ये इसी का पार्ट है, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, यानी कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल बनते हैं जैसा हम ऊपर से बताते चले आ रहे। बुनियादी कानून, बेसिक आपको कानून भी पता होने चाहिए, बेसिक लॉ, अगर नहीं पता है तो आपके नंबर जाएंगे क्योंकि सवाल यहां से भी बनते हैं, जबकि आपको नहीं पता था कि यहां से भी बनते हैं। व्यवसाय में रुचि, यानी कि आपके व्यवसाय से रिलेटेड भी सवाल यहां पर बनेंगे, कैसे बनेंगे हम बताएंगे, चिंता आपको नहीं करनी है। इसी के आगे अगर हम बात कर लें मानसिक कठोरता, ये भी आपने चैप्टर जो है कभी नहीं सुने होंगे, आप जानते भी नहीं होंगे कि ऐसे ऐसे भी चैप्टर हैं, लेकिन हैं, ये सब आपको पढ़ाएंगे, विधिवत पढ़ाएंगे। अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी होती हैं उनके प्रति संवेदनशीलता हमें कैसे दिखानी चाहिए, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, हम पढ़ाएंगे उसको कि
क्योंकि उससे भी सवाल हमारे बनते हैं। माइनॉरिटीज और जो मेजॉरिटीज होते हैं उनके बीच कैसे हमें सद्भाव को बैठालना चाहिए, अगर हम एज अ पुलिस में वर्क कर रहे हैं, एज अ पुलिस मैन वर्क कर रहे हैं, तो हमें कैसे माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के सद्भाव को बनाए रखना है, वो हमारा क्या रोल होता है उसमें, वो भी आपको इसमें पढ़ना होगा। लैंगिक संवेदनशीलता यानी कि जेंडर को लेकर जो भेदभाव होते हैं वो भी हमें ख़त्म करने हैं, और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उनके भेदभाव को कम कैसे किया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और ये सारे चैप्टर्स यानी कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में, आप 2018 का पेपर देख लें, उससे पहले का पेपर देख लें, इन सभी पेपर्स में सवाल आपके बने हैं अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो। ठीक है, अगर इसी में आगे बात कर लें तो आगे आप देखोगे कि आईक्यू से रिलेटेड सवाल जिसमें आपका आईक्यू परीक्षण होने वाला है ना, आईक्यू टेस्ट, उस आईक्यू टेस्ट से संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं, संबंध और सादृश्य परीक्षण, भिन्न का पता लगाना यानी कि ऑड छांटना, अलग कौन है, अलग छांटने से भी सवाल आपके बनते हैं, श्रृंखला समापन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग जानते होंगे, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन जिसको रक्त संबंध बोलते हो जानते होगे आप लोग, वर्णमाला पर आधारित, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, ये इससे भी रिलेटेड सवाल आते हैं, समय अनुक्रम परीक्षण कह सकते हो आप कि टाइम से रिलेटेड या क्लॉक से रिलेटेड, घड़ी से संबंधित है ना, इस तरीके से कैलेंडर से रिलेटेड सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वैन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट, वैन आरेख से सवाल आते हैं, चार्ट प्रकार परीक्षण यानी कि चार्ट से संबंधित भी सवाल आपके आते हैं रीजनिंग में, वैन आरेख से सवाल आते हैं, अगर चार्ट की बात कर लें तो पाई चार्ट से भी सवाल आते हैं, आपके हिस्टोग्राम से भी सवाल आते हैं, आपके बार चार्ट से भी सवाल आते हैं, सब पढ़ाया जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर आगे बात करें, गणितीय क्षमता परीक्षण यानी कि गणितीय क्षमता परीक्षण, इसमें आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग से भी रिलेटेड और आपकी गणितीय संक्रियाएं यानी कि आप प्लस माइनस का प्रयोग कैसे करते हैं, बोर्ड मास के रूल से आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं, है ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं उससे, क्रम से व्यवस्थित करना, सीक्वेंस से आपको लगाने से भी सवाल आएंगे, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, समझ लेना इसको, सिलेबस को आपको हम टेलीग्राम में डलवा देंगे, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के टेलीग्राम चैनल पर ये आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना रीजनिंग के सिलेबस को। अब अगर बात कर लें तो अब आप देखोगे कि अब जो नया सिलेबस आया ये आपका प्रॉपर रीजनिंग का है, जिसको आप लोग जानते हो कि रीजनिंग में हमें इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में बहुत कुछ पढ़ना है। आप ये मान के चलो कि यूपी पुलिस के पेपर में अगर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग आती है तो 99% चांस हैं कि उससे रिलेटेड सवाल यूपी पुलिस में भी आता ही आता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रीफ नहीं है, बहुत वास्ट है सिलेबस, लगभग आपको 50 से 60 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे छोटे बड़े मिलाकर, बस वो है कि आप पढ़ोगे उनको तभी आप पूरे में पूरे ला पाओगे, और अगर हम पढ़ा देंगे एक बार 110% आपके 55 से 56 क्वेश्चन पूरे के पूरे बन जाएंगे, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के 100% बनेंगे, या बस आप समझते चलो आगे चीजों को। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आप देख सकते हो सादृश्यता, एनालॉजी आप जानते हो, समानताएं सिमिलरिटीज, मतभेद, आंतरिक विजुलाइजेशन, समाधान समस्या और समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, ये बड़े बड़े सवाल आते हैं, हम आपको दिखाएंगे चिंता ना करो, विश्लेषण और न्याय इसका भी रिलेटेड हम सवाल करवाएंगे, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग के भी सवाल आते हैं, बहुत बड़े बड़े तीन तीन अवधारणाएं दे देते हैं, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं वो भी आपको करवाएंगे, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणा यानी कि यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग का भी इम्पोर्टेंस है, अवधारणा से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, यानी कि आपकी कथन और पूर्वधारणा हो गई, कथन और तर्क हो गए, है ना, कथन और निष्कर्ष हो गए, समझ रहे बात को, अभी कथन और कारण हो गए, इनसे रिलेटेड भी सवाल आते हैं, ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक एक विधिवत हर एक वीडियो में छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात तक की सब चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएंगी, पूरा 110% सिलेबस आपका खत्म कराया जाएगा, छोटी से छोटी बात जो आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी यहां पढ़ने को मिलेगी, और वो आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगी, इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने आप पे। आगे देखो,
इसके कुछ सिलेबस की अगर बात कर लें तो ये सिलेबस इतना और बचा हुआ है, अंक गणती रीजनिंग जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपके एज से रिलेटेड भी सवाल बन जाते हैं, है ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद अगर बात करें मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, यानी कि ये ओरल वाले सवाल हैं, यानी आप कह सकते हो कि नॉन वर्बल टाइप के सवाल भी इससे रिलेटेड आएंगे, नॉन वर्बल भी आपका पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें। अंक गणती समस्या श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड सवाल आपके आएंगे। अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों के निपटने की क्षमता, ये भी आपसे आपको पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड भी सवाल आपको। अंक गणती संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ये भी आपने चैप्टर्स कभी नहीं सुने होंगे, और जब इनसे सवाल रिलेटेड लेकर आएंगे तब आप कहोगे सर बिल्कुल ये सवाल प्रीवियस ईयर में आते हैं, हमने भी देखे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हो। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो बिना प्रीवियस ईयर देखे, उस एग्जाम के बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले उसके प्रीवियस ईयर देखो कि कहां से सवाल आते हैं, तब उस एग्जाम को आप टारगेट करो, और तभी आप सही से उसको टारगेट कर रहे हो, अन्यथा आप बस पढ़ ही पढ़ रहे हो, और किसके लिए पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर देख के पढ़ रहे हो तो आप वास्तविकता में पढ़ रहे हो, और आपको ऐसे ही पढ़ना ही चाहिए। समझ गए बात को? अब इसी तरीके से आज तो हमने पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, हमें लगता है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, हमने जिस डिटेल से आपको सिलेबस समझाया है आप बहुत अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे कि हाँ हमें एक्चुअल में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक कहीं भी पढ़े हो, कितना भी पढ़े हो, तब भी अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत थी, और एक्चुअल में है ज़रूरत, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है जबकि तुम्हें आता नहीं है, ये तुम्हें पता चलेगा। हम तुम्हें ऑनलाइन मॉक कराएंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम ऐसे सवाल कराएंगे जो तुम्हारे प्रीवियस से होंगे और फिर भी तुम्हें नहीं आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमें भी पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, आज फिर इतना ही रखो, हम बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जहां से आपके सिलेबस की स्टार्टिंग करेंगे, और विधिवत A to Z 100% गारंटी के साथ आपको पूरा सिलेबस कराएंगे यूपी पुलिस का और यूपी SI का। ओके दोस्तों, थैंक यू।